ये मेरी साइकिल है, मालदीव में इसे साइकिल बोलते हैं और इंडिया में इसे स्कूटी बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विशाल और उत्तराखंड के धुमसिंह नगर से हूँ। ये है वन वे रोड और इस रोड से सिर्फ आप जा सकते हैं, आप आ नहीं सकते। अगर गलती से पीछे मोड़ लिया गाड़ी तो आपके ऊपर पेनल्टी बैठना तय है। आगे जगह हमें टू वे रोड मिलेगा जिसमें गाड़ी आ भी सकती है, जा भी सकती है। तो कोई भी नया इंसान है यहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं आराम से, लेकिन पीछे वाले रोड में जो है वो नहीं चला सकते, उनको पता नहीं चलेगा वन वे और टू वे रोड कौन सा है। और अभी एक बहुत खूबसूरत आइलैंड जिसे हुरा बोलते हैं, वो हुरा में चल रहे हैं। अभी ये राइट साइड में जो IGHM हॉस्पिटल है, जो भारत सरकार ने इनको गिफ्ट किए थे, तो वही हॉस्पिटल है, इंडियन हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी नेशनल हॉस्पिटल। और ये रासमानु बीच है लेफ्ट साइड, यहाँ पे लोग नहाते हैं। ये पुलिस वाला आगे जा रहा है। और ये जो ब्रिक्स जो है सीमेंट से बनी हुई होती है, और बारिश के मौसम में ये इतने फिसलन बन जाते हैं कि आप तेज़ी से गाड़ी चला के ब्रेक मारेंगे तो इसमें आप गिर जाएंगे, बिल्कुल भी आप उठने की आप हालत में नहीं रहेंगे। या दूसरा, और ये प्रेसिडेंट हाउस है राइट साइड में, और आगे मैं गाड़ी रख रहा हूँ, और गाड़ी रखने के बाद यहाँ से फेरी लूँगा, फेरी से बैठने के बाद फिर जाके मैं आइलैंड में पहुँचूँगा। और अभी मैं गाड़ी रखने का जगह देख रहा हूँ, जगह मिल नहीं रहा है। अभी एक जगह मेरे को आगे जाके यो दिख गया, यहाँ पे मैं गाड़ी रख रहा हूँ और अभी मैं चल रहा हूँ। देखिए कितना बढ़िया जगह है ये, गाड़ी इतने लोगों का पार्किंग में है क्या बताऊँ। और अभी चल रहे हैं, ये जो स्पीड बोर्ड दिख रहे हैं, ये स्पीड बोर्ड में अभी चलने वाले हैं। 100 MBR लगता है यहाँ से हुरा सिटी में जाने के लिए, 100 MBR लगेगा, और वहाँ से वापस आने के लिए भी 100 MBR लगेगा। वो जो लास्ट वाला जो है, वो जो आदमी चढ़ गया उसी में बैठ के जाने वाले हैं। और ये बहुत स्पीड में चलता है, बहुत स्पीड में चलता है, आधे घंटे के अंदर ये हमें पूरा में पहुंचा देगा। और इसका जो है ना आधा घंटा एक घंटा बैठने में ही मजा आता है। अभी चलते हैं इसमें, बैठते हैं ये लास्ट वाले में, अभी चल के बैठते हैं। अभी देखते हैं सीट मिलता है नहीं मिलता है, पहले से तो मैंने बुकिंग नहीं किया हुआ है, अभी अंदर जाके पता चलेगा कि खाली है या नहीं है। हाँ खाली है, कहाँ बैठूँ, यहाँ बैठ जाता हूँ मैं, यहाँ बैठ गया। ये देखिए कितनी स्पीड में चलने लगा, ये कितनी स्पीड में, यो यो मजा आ गया, ये तो बहुत स्पीड में चलने लगा। इसके अंदर बैठने आधे घंटा ही आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद बोर फील होने लगता है, ऐसा लगता है पेट के अंदर जितना भी खाया पिया है सारा बाहर निकल जाएगा, लेकिन आधा घंटा ही अच्छा। भाई लोग अभी हुरा में पहुंच गया हूँ। पहुंचने के बाद जैसे ही आप बोट से नीचे उतरेंगे, उतरने के बाद यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा घर दिखता है, वो बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत। वीडियो में कैसा लग रहा है नहीं पता, लेकिन ओरिजिनल जब देखा बहुत अच्छा लगा। ये हुरा में जितने भी पार्किंग एरिया है बोट की, उस एरिया में हूँ अभी, ये घर बहुत प्यारा सा है। अभी जो तंग गलियों से अभी गुजरते हैं, ये देखिए जो गाड़ी है यहाँ पे, जो काफ़ी बहुत बड़ा जो है आइलैंड है, तो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो गाड़ी है सवारी के लिए जाते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं इनको। और ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में बैठते हैं 6-7 जने बैठ सकते हैं आराम से। और ये यहाँ की स्कूटी है, डस्टबिन है, और ये गार्डन है। लोगों के घर ऐसे होते हैं यहाँ पे, जो मॉलडीव्स में जो आइलैंड होते हैं ना, उनका घर ऐसा होता है, पार्क के अंदर ऐसा लगेगा कि पार्क के अंदर घर है। ये रेतीले से जगह है, यहाँ पे तो मिट्टी होते नहीं है, ठीक है। ये जो हमारे वहाँ पे रेतीले होते हैं रेगिस्तान में, उस तरीके की मिट्टी होते हैं यहाँ पे। और ये देखिए गलियाँ कैसे हैं, ये फूल के पेड़ हैं, और ये जो होते हैं ना नारियल 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 के जो पेड़ लगे हुए होते हैं, कि एकदम लगता है कि पार्क के अंदर आप कहीं आ गए हैं यहाँ पे। और यहाँ के जो घर है ना, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं लेकिन दिखने में बहुत अच्छे होते हैं। ये मस्जिद आ गए, यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं, बहुत साफ सुथरे जो है होते हैं यहाँ पे जो मस्जिद है। यहाँ पे 3 बजे का टाइम है अभी, तो अभी नमाज ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे अंदर से भी। ये देखिए गुंबद कितना बड़ा है, आगे चलते हैं दिखाते हैं आपको गलियाँ यहाँ पे कैसे है। आइलैंड बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये जो बाहर से मंगाई जाती है, जो सीमेंट की जो ब्लॉक्स होती है, ये यहाँ पे बाहर से बुलाई जाती है। ये देखिए दो बच्चे आ गए, ये वीडियो बना रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं अभी। यहाँ पे इनको इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है, इनकी लोकल लैंग्वेज। और यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि वो जब स्कूल में जाते हैं तो इंग्लिश में बात होता है, और जब घर में होते तब भी उनके पेरेंट्स के साथ इंग्लिश में बात करते हैं। जिनको हिंदी आती है इंडिया से, जो यहाँ पे आए हुए होते हैं, उनको थोड़ा दिक्कत होता है इसलिए, क्योंकि वो यहाँ के लोकल लैंग्वेज जानते नहीं है, और यहाँ पे लोकल लैंग्वेज जानते नहीं है, और इंग्लिश तो उनको नहीं आती है, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन हाँ, बहुत जगह यहाँ पे बंगाली भाषा चलता है, हिंदी भी चलता है, थोड़ा थोड़ा चलता है, कहीं कहीं चलेगा, लेकिन यहाँ के जो लोकल शॉप है, कहीं अगर जा रहे हैं आप तो वहाँ पे नहीं चलेगा बिल्कुल भी, उनको पता नहीं है। और ये गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, अभी इसको लेना है, कुछ दिन बाद ले लूँगा। और ये देखिए, ये जो यहाँ पे जो दुकान होती है ये, और ये छोटी सी गाड़ी है अभी आ रही है, अभी देखते हैं इस गाड़ी को। ये गाड़ी दिखने में बहुत अच्छी है, उसके ऊपर बैठ जाऊँ और आराम से सामने से निकल जाऊँ। ये देखिए बच्चा पीछे बैठा हुआ है, ये देखिए गाड़ी छोटी सी, पता भी नहीं चलता साइकिल है या गाड़ी है, लेकिन हाँ बैटरी से चलती है यहाँ पे, इस आइलैंड में जो पेट्रोल से नहीं चलती है। और
यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इलेक्ट्रिक से चलती है, चार्ज लगा दो और चलेगा। ये पानी का टैंक है और बहुत बढ़िया दिखने में, देखिए घर कितना साफ लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे पता है मौसम उतना, वो आदमी जो है वहाँ पे झगड़ा कर रहा है और किस लिए कर रहा है क्या नहीं पता, अभी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ के जो गवर्नमेंट रूल के खिलाफ वो कुछ बोल रहे हैं तो उनका है मसला, क्या वो बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ये वही घर आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किए थे। अभी वापस जाने का टाइम है तो तभी जाके मैं अभी सोचा कि थोड़ा और ये दिखा दूँ आपको। तो मेरे भाइयों, ये जानकारी मेरे पास जो था हुरा के बारे में मैंने आपको दिया बहुत शॉर्टली। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं आपको वो जानकारी 100% दूंगा। थैंक यू।